हेलो एवरीवन, आज क्लास ट्वेल्थ में मैं आपका सेलों के संयोजन का जो दूसरा पार्ट है वो बताऊंगा। ये है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों के संयोजन सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो मैंने आपको श्रेणीक्रम संयोजन बताया था कि श्रेणीक्रम संयोजन तभी ज़्यादा यूजफुल होता है जबकि बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सेलों को संयोजित करके अधिक से अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जाए। तो मान लेते कि अपने पास यहाँ दो सेल हैं, इसका विद्युत भागबल E1 होता है और ये आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का विद्युत भागबल E2 आंतरिक प्रतिरोध R2, और ये दोनों ही मिलकर के ये बाह्य प्रतिरोध है R। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो I1 होती है और यहाँ से विद्युत धारा I2। ये पॉइंट A और ये पॉइंट इसका B, यहाँ पर ये कुल धारा I हो जाती है I, और ये I जो है यहाँ I1 प्लस I2 दोनों के योग के बराबर होती है, यही विद्युत धारा यहाँ पर जाती है। इसमें समांतर क्रम में क्या करते हैं कि जितने भी सेल होते हैं उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक बिंदु पर होते हैं और सभी नेगेटिव टर्मिनल उसके दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन सभी पर जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो बराबर होती है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, तो सेलों पर दोनों सेलों पर समान टर्मिनल वोल्टता होती है। तो मान लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टता इक्वल टू बी, तो ये टर्मिनल वोल्टता होगी वो इस बाह्य प्रतिरोध पर वोल्टता के बराबर होगी। तो ये V इक्वल टू है आपका IR। तो यहां पर कुल धारा कुल विद्युत धारा I इक्वल टू I1 प्लस
आई टू, ये हम समीकरण नंबर एक इसको नाम दे देते हैं। आई वन पहले सेल द्वारा दी गई विद्युत धारा होती है और आई टू दूसरे सेल द्वारा दी गई विद्युत धारा होती है। तो पहले सेल द्वारा दी गई विद्युत धारा आई वन इक्वल टू आई वन, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा में वी इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन। सो हम इसको ऐसे लिख दें वी अपॉन आर वन इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन माइनस आई वन। आर वन का क्या करें, दोनों में भाग लगा दें सबके अंदर जो है, या आई वन इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर वन। तो ये तो पहले सेल के लिए होगी, पहले सेल ने इतनी विद्युत धारा प्रदान की, दूसरे सेल द्वारा दी गई विद्युत धारा इक्वल टू आई टू। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हुए आई टू इक्वल टू ई टू अपॉन आर टू माइनस वी अपॉन आर टू, जैसे ये लिखा है वैसे हमने इसको लिख दिया इसके लिए। अब ये आई वन और आई टू के मान हम इसमें रख देंगे संबंध एक में, जो आई वन व आई टू के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक आपका ये है तो I इक्वल टू आई वन, ये है आपका ई वन अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर वन, ये तो आई वन है, प्लस आई टू ई टू अपॉन आर टू माइनस वी अपॉन आर वन। आर टू और आप इसको ऐसे लिख लें ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, इसको एक साथ कर दें, ये दोनों माइनस चिन्ह है यहाँ पर, और इसमें से हम वी कॉमन ले लें वी, और यहाँ रह जाएगा आपका वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है ना। इसमें से वी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा वन अपॉन आर वन और ये रह जाएगा वन अपॉन आर टू, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया इसलिए बीच में यहाँ प्लस चिन्ह आ गया इसमें। तो हम इसको I को अब ये हम इसमें कर दें कि I इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन
R1 R2, यानी इसमें तो क्या किया, R1 R2 LCM ले लिया, और उसमें हम देखें तो माइनस बी इंटू ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब इस V को यहाँ से फ्री कर दें इसके अंदर से जो, तो क्या कहते हैं भाई इस राशि का इन सब के अंदर मल्टीप्लाई कर दें भाई, भाग लगा दें इसके अंदर। तो हम इसमें ये करें कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का या इसको ऐसे के ऐसे ही रहना, तो इसको जो एज इट इज रहना, तो ये हम इसको ये कर देते हैं I माइनस वी प्लस वी इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। तो यहाँ से I प्लस V के स्थान पर I अपॉन R, अपॉन R1 प्लस R2 प्लस V इक्वल टू ये आपका E1 R2 प्लस E2 R1 इंटू ये आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी क्या किया अपन ने, इस वाले टर्म से सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पर राशि ये रह जाएगी इसमें ये, और ये आपका इतना राशि जो कि तो लिखी हुई है, और इस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से फ्रिज के अंदर गुणा कर देंगे तो ये राशि इतनी आ जाएगी अपॉन R1 R2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, V इक्वल टू I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और V के स्थान पर IR, ये इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू ये राशि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसमें से हम I कॉमन ले लें, I तो I कॉमन लेने पर अपने पास बच जाएगा, एक तो यहाँ से R रह जाएगा और ये टर्म ये आ जाएगा R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्वल टू ये यहाँ से हम इसमें से ये राशि कैंसिल कर देंगे R1 R2, तो यहाँ रह जाएंगे R1 प्लस R2। सो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे R1 R2, यानी इस टर्म से हम ये टर्म कैंसिल कर देंगे इसमें, तो I इक्वल टू ये रह गया आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन ये वाला टर्म R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये टर्म पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होगी दोनों ही सेल द्वारा प्रदान की गई विद्युत धारा। तो फिर यही है, ये जो टर्म आ रहा है इसमें ये कुल विद्युतवाहक बल है और ये परिपथ का कुल प्रतिरोध है इसके अंदर से जो है। तो हम क्या करें भाई, अब इनके स्थान पर थोड़े छोटे सिंबल यूज कर लें,
आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, जहां ई इक्विवेलेंट क्या है इसमें, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर इक्विवेलेंट क्या है, ये है आपका आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, यानी ये तो है तुल्य, ये कुल विद्युत वाहक बल और ये कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध और ये है इसमें तुल्य विद्युत वाहक बल। तुल्य विद्युत वाहक बल तो फॉर्मूला फिर आपका वही आ जाता है ले दे करके इसमें के लास्ट में कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध। कल भी आपका यही इसमें फॉर्मूला आया था, इसमें कुल विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इसमें देख रहे हैं कि अपने जो सेलों को था उसमें ऐसा किया कि भाई एक दोनों ही सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड में कर दिए और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड में जोड़ दिए। अब मान लो इसमें एक क्रम एक सेल को उल्टा कर देते, तो जिस सेल को हम उल्टा कर देते उसी के लिए इसमें माइनस साइन आ जाता। तो यहाँ पर मान लो कि हम ई टू को उल्टा क्रम में लगा देते तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई टू आर वन, और अगर मान लो हम ई वन को हम उल्टे क्रम में लगाते तो माइनस ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन। अब जब उल्टे क्रम में दिए होते हैं तो वो सेल विद्युत धारा प्रदान करता है जिसका कि विद्युत वाहक बल अधिक हो। तो अब इसमें देख सकते हैं कि अगर मान लो कि इस तरीके के दोनों ही सेलों के विद्युत वाहक बल बराबर हों विशेष परिस्थितियां, अब मान लेते हैं यदि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो E इक्विवेलेंट इसमें आपका जो हो जाता E इक्विवेलेंट ये सब वैल्यू बराबर हैं आर वन प्लस आर टू, तो ई इक्विवेलेंट ये हो जाता आपका ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर, सो ये इक्वल टू टू ई आर अपॉन टू आर, आर टू से टू कैंसिल कर देते आर से आर यहाँ पर कैंसिल कर देते तो ये कुल विद्युत वाहक बल है वो ई के बराबर आ जाता। और हम इसमें ये निकालते आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट में आपका आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, तो ये हो जाता आपका आर स्क्वायर अपॉन टू आर, इसमें से एक आर हम यहाँ से कैंसिल कर देते तो यही हो जाता आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन टू। तो ये चीज़ें तो इसमें विद्युत धारा कितनी होती, विद्युत धारा आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का मान ई के बराबर आ जाता और इसका मान आर प्लस आर बाई टू, इतनी विद्युत धारा होती।
अब मान लिया कि आपको इस तरह के एन सेल दिए गए हैं, दूसरी परिस्थिति इसमें क्या है, यदि समान विद्युत वाहक बल ई तथा समान आंतरिक प्रतिरोध आर के एन सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करें समान विद्युत वाहक बल ई तथा समान आंतरिक प्रतिरोध आर के एन सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसमें जो इक्विवेलेंट होगा तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट ये तो हो जाता आपका ई, और इसमें जो आर इक्विवेलेंट होता, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, समांतर क्रम में जुड़े कहाँ तक करते, एन तक, तो ये इक्वल टू हो जाता एन अपॉन आर, ये इक्वल टू वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसलिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन एन। इस परिस्थिति में इसमें विद्युत धारा इसमें कितनी होती, विद्युत धारा आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन लगाएं, नंबर वन, यदि आर ग्रेटर देन आर अपॉन एन, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो ये विद्युत धारा का मान न्यूनतम वैल्यू है जो ये आई मिनिमम है जो, क्योंकि इस समय जो एक सेल से विद्युत धारा प्राप्त हो रही है वही एन सेलों से प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब एक सेल लगाना ही पर्याप्त होता है, बाकी के सभी सेलों का कोई उपयोग नहीं है जो ये, तो इसमें ये न्यूनतम विद्युत धारा है जो ये न्यूनतम। सेकंड, यदि आर लेस देन आर अपॉन एन तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर अपॉन एन, कैपिटल आर को छोड़ देंगे इसके अंदर से, सो आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर, तो ये क्या है, ये इसमें एक सेल से विद्युत धारा अगर एक एम्पियर प्राप्त होती है तो ऐसे 10 सेल लगा दिए तो कुल विद्युत धारा में 10 एम्पियर मिलेगी, तो इसमें क्या है सभी सेल कार्य करते हैं भाई, तो ये विद्युत धारा जो होती है वो अधिकतम होती है, अधिकतम। इसका अर्थ यह है कि हमें सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जबकि बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, अतः
अधिकतम विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में तभी संयोजित करना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं है जो है। तो इस तरीके से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सेलों को संयुक्त करने का वो एक ही है कि हमें सेलों से अधिकतम विद्युत धारा प्राप्त करनी है। और इसका कारण क्या है कि एक सेल से प्राप्त धारा का मान बहुत कम होता है तो हम इसको अपने यूज़ में इतना नहीं ला सकते, और अगर ज़्यादा धारा मिलेगी तो हम ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जो ड्राई सेल होते हैं वो कई एक उपकरणों के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे आपका टॉर्च होती है, टॉर्च या बैटरी, तो उसमें दो या दो से ज़्यादा सेल लगे रहते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा हमें प्रकाश मिलता है, लंबी दूरी तक प्रकाश जा सकता है उसके अंदर। आपका रिमोट वगैरह है, इसके अंदर भी हम सेल प्रयुक्त करते हैं, और जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती हैं उसके अंदर भी हम छोटा सा बटन सेल का यूज़ करते हैं भाई। तो ये सेलों के इसके उपयोग हैं। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।